पिपलानी थाना क्षेत्र में पिपलानी पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले दो रिश्तेदारों के आधा दर्जन बच्चे 24 जनवरी को दोपहर में घर से खेलने के लिए निकले और चुपचाप भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां से सभी छह बच्चे ट्रेन से उज्जैन गए और वहां महाकाल के दर्शन करने के बाद बीती रात वापस भोपाल आ गए। बीती रात पार्क में लावारिस हालत में सभी बच्चे मिल गए। पिपलानी पुलिस ने बताया कि 6 वर्ष से 15 वर्ष के अंदर के सभी बच्चे हैं। बच्चों से पूछताछ में बताया गया कि महाकाल के दर्शन और घूमने के लिए बिना बताए वह गए थे। इसमें प्रारंभिक जानकारी जो 6 बच्चों के जाने के संबंध में आई है कि वो सभी साथ में उज्जैन चले गए थे, ये जानकारी आई है। और उसके बाद पुलिस ने इनको जो है सभी को सुरक्षित वहाँ से लाया गया है। ये बात आई है बात पूछताछ करने में कि वो दर्शन करने के लिए सभी चले गए थे। और भी अन्य पूछताछ इनके परिजनों से की जाएगी कि अगर कुछ और कारण है, लेकिन वर्तमान में सुरक्षित हैं और सभी बरामद किए जा सकते। देखिए, इसका जनरलाइजेशन किया जाना बड़ा मुश्किल है कि किसी शहर में या कस्बे में या घर में भी पेरेंटल कंट्रोल कम है या किस तादाद में है। ये प्रकरण विशेष पर निर्भर है कि उसमें क्या कारण रहा है। और इसमें जो कारण सामने आया है उसमें है कि ये दर्शन करने चले गए थे और साथ में इन्होंने जो है जाने का ये निर्णय लिया, और चूंकि दूरी पर सभी बच्चे गए हैं तो ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर गए हैं या स्वतः निर्णय लेके गए हैं, तो इसका पूछताछ की जा रही है। उसमें एक बच्चा है जो पहले भी इस तरह की चीजें कर चुका है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।